जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई अपडेट को लेकर। तो दोस्तों, यदि आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दिसंबर मंथ के सीपीसीटी के जो आवेदन हैं यह स्टार्ट हो चुके हैं और अब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पिछले एक दो महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग अच्छी हो चुकी है, इंग्लिश टाइपिंग अच्छी हो चुकी है, आपने कंप्यूटर की तैयारी कर ली है, तो अब आप सीपीसीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यह जो आपके आवेदन हैं यह स्टार्ट हो चुके हैं 17 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 7 नवंबर 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन एंड डेट है ये इंक्रीज नहीं होती है, ये बढ़ाई नहीं जाती है, तो 7 दिसंबर तक आप आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। 7 दिसंबर तक आवेदन कर दें यदि आप दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। मध्य प्रदेश का हालांकि सीपीसीटी एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जो टाइम पर जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो भी इसकी डेट रहती है दो दो महीने के अंदर, ये दो दो महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम प्रॉपर हो जाता है, बिल्कुल टाइम से हो जाता है। ठीक है, तो यदि आप इस महीने एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप अगले दो महीने बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, सीपीसीटी का तो जितनी चाहे उतनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम कब रहेगा, तो यह दिसंबर में आपका एग्ज़ाम रहेगा 7 और 16 दिसंबर आपका एग्ज़ाम रहेगा यहाँ पर 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम रहेगा। यदि आपने पिछली बार अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके जो हैं इस यहाँ पर स्कोर कार्ड भी आ चुके हैं, तो आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड डाउनलोड कैसे करना है ये यदि आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर दूसरी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं 17 नवंबर से 17 दिसंबर 2021 तक आवेदन डेट है और एग्ज़ाम डेट जो आपकी रहेगी 26-27 दिसंबर रहेगी। ठीक है, इसका फॉर्म यदि आप फिल करना चाहते हैं तो आप यदि घर बैठे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म आप घर बैठे फिल कर पाएंगे। ठीक है, इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी कैसे आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कैसे आपको पेमेंट करनी है। और यदि आप इनकेस यदि आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं किसी भी कारणवश, यदि आप गाँव में रहते हैं, आप अपने शहर जाकर आपको आवेदन करना है, कोई मजबूरी है, आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जो भी यहाँ पर फीस पे होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 660 रुपये आपकी फ़ीस पे होती है। ठीक है, तो 660 रुपये तो आपके लगे ही, प्लस कुछ आपको होम सर्विस चार्ज लग जाएगा, ये कितना लगेगा तो ये आपको कॉल पर जानकारी इसकी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं घर बैठे आवेदन करने के लिए। सीपीसीटी का तो आवेदन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वर्तमान में जो भी मध्य प्रदेश में आवेदन हो रहे हैं जैसे जिला पंचायत जनपद पंचायत में अभी आवेदन हो रहे हैं, उसके फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं, तो उसके यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं घर बैठे, तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई ऑनलाइन कार्य करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपना ऑनलाइन काम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ किसी कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।